18 जनवरी 2024 को ख्वाजा गरीब नवाज उर्स में शामिल होने के लिए देश भर के लोग दिल्ली के रास्ते अजमेर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार या केजरीवाल सरकार ने कैंप का आयोजन किया है ताकि जो लोग उर्स में जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लोग ऐसे में कहां रुकेंगे। ये समस्या समझते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़े पैमाने पर कैंप का आयोजन किया है। अब आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इस कैंप में किन किन सुविधाओं को शामिल किया गया है, और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कैंप को लगने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होने वाला है। देश भर से उर्स जा रहे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बुराड़ी ग्राउंड में उर्स ट्रांसिट कैंप लगाए हैं। दरअसल अजमेर शरीफ जाने से पहले मुसाफिरों को दिल्ली में तमाम बड़ी दरगाहों पर हाजिरी दिलाई जाती है, जिसके लिए देश भर से लाखों मुसाफिर दिल्ली होते हुए अजमेर जाते हैं। जनवरी का महीना है और ऐसे में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है। इस कड़ाके की सर्दी में आम आदमी पार्टी ने उर्स जा रहे मुसाफिरों के आराम के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। रजाई, गद्दे, खाने पीने और मेडिकल कैंप जैसी अनेकों सुविधाएं जायरीनों को उपलब्ध कराई गई हैं। उर्स में शामिल होने वाले लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने बुराड़ी में इस तरह के कैंप की व्यवस्था की है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गद्दे दिए गए हैं, रजाइयां दी गई हैं, ताकि सर्दी के इस मौसम में किसी को भी कोई भी तरह की परेशानी ना हो। ये दिखाता है कि किस तरह से केजरीवाल हर धर्म को साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हिंदू धर्म के लिए भी केजरीवाल सरकार जगह जगह व्यवस्था कराते हैं। ये इनकी हर धर्म में बराबर आस्था का परिचय देती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हैं। तो आपको कितने दिन हो गए दिल्ली पहुंचने में? कितने मुझे दिन? 7 दिन हो गया। इस तरह की व्यवस्थाएं आपको कहीं और देखने के मिली? आप कई जगह रुके होंगे हफ्ते भर? कहीं भी नहीं। इस तरह की जो व्यवस्था की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या व्यवस्थाएं आपने देखी और आपको सबसे ज्यादा अच्छा? यहाँ पे सबसे अच्छा की मेडिकल का सुविधा दिया गया है, और ठंडे में रजाई, कम्बल, बेड, हर एक चीज का सुविधा देखते हुए जाहिरीन को अच्छा से हम लोग को सेवा पानी मिल रहा है, और कोई भी स्टेट में ऐसा पूरा तक कहीं भी हम लोग घूमे नहीं मिला। हम आए हुए गोरखपुर से, आज मुझे 7 दिन हो गया आए हुए, और इतना अच्छा व्यवस्था कहीं नहीं देखा। केजरीवाल का शुक्रिया मैं करता हूँ कि जो खाना से, जो लंगड़ खाना से, दवा से लेके, और उसके बाद जो जितना भी सुतने का हर चीज जो है, बहुत उनका शुक्रिया कितना गुजार किया जाए कम है। बहुत अच्छा काम किए। आज तो कव्वाली का भी आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। आप लोग जो जितना भी किए वो अपने उसमें बहुत अच्छा किए, इससे अच्छा सुविधा कहीं नहीं मिला। सर्दी का मौसम है, कई मौसमी बीमारियां चल रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार ने लोगों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। उनका मुफ्त में इलाज भी किया जा रहा है। जिन लोगों की तबीयत खराब है उन्हें मुफ्त में दवाई भी दी जा रही है। उसमें जाने वाले लोगों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मौसमी बीमारियां चल रही हैं। ऐसे में लोगों को अगर कोई बीमारी हो तो वो यहाँ मेडिकल कैंप में आकर के मुफ्त में दवाइयां ले सकें और अपना इलाज करा सकें। और यहाँ पर एम्बुलेंस भी रखी गई है, अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति हो तो किसी को किसी तरह की कोई सुविधा ना रहे। अभी मेडिकल कैंप के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से खुश हैं, लोगों को किस तरह से यहाँ पर सुविधा मिल रही है। हा? बहुत अच्छा, हम शुक्रिया करते हैं उनका अदा तहे दिल से। अल्लाह उनको तरक्की दे, और जो दर्द दिखाया उन्होंने मुसलमानों के लिए, वो दर्द कभी भूलने वाली बात नहीं है। हम दुआ करते हैं उनके लिए कि हर मैदान में वो फतह का झंडा लहराएं। तो मेडिकल कैंप मुफ्त में किया? पूरा मुफ्त में है, जो भी मेडिसिन हमारे पास है वो फर्स्ट एड उनको प्रॉपर दी जा रही है। अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति है तब क्या? अगर इमरजेंसी स्थिति है तो हमारे पास यहाँ 2 एम्बुलेंस अवेलेबल हैं। उन्हीं एम्बुलेंसों से इनको हायर सेंट्रल के रेफर किया जाता है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद वापस ही यही कैंप में लाके छोड़ दिया जाता है। दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा और ज्यादा बीमार है, थोड़ी सी कंडीशन खराब है, तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया है। डॉक्टर की टीम मौजूद है, यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, और ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है।
खाने पीने रहने और मेडिकल के साथ ही यहां सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात की गई है ताकि ये लोग महफूज रहे। लोगों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। लोगों की सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से डॉग स्क्वाड की भी व्यवस्था मौजूद है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो कि डॉग स्क्वाड लेकर के आए हैं ताकि किसी भी तरह के खतरे की कोई आशंका ना रह जाए और सभी लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें। इस चीज का भी केजरीवाल सरकार काफी ज्यादा ख्याल रख रही है, लोगों की सुरक्षा का, लोगों को की व्यवस्था का। हॉस्पिटल के अरेंजमेंट किए गए हैं, खाने पीने के अरेंजमेंट किए गए हैं, पुलिस की टीम लगातार तैनात है ताकि कहीं किसी तरह की कोई समस्या उर्स में जाने वाले लोगों को ना रहे। आम आदमी पार्टी उर्स जा रहे जायरीनों के लिए हर वो सुविधा उपलब्ध करा रही है जिससे उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ऐसे में हिंदी खबर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल अहमद खान से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उर्स में जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने, या कहें कि केजरीवाल सरकार ने, ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था की है। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल अहमद खान मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत उनसे करते हैं। सर, ये पूरी व्यवस्था की गई है, किस तरह से की गई है और क्या इसके पीछे आम आदमी पार्टी का? देखिये, आम आदमी पार्टी हमेशा से सभी मजहब का एहतराम करती है और आज जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी शानदार व्यवस्था है, और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं और ये सारे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं जियारत करने। यहाँ पे पहले आकर रुकते हैं, यहाँ पर आप देखिए सबके रहने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है, बाथरूम की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। वो हर एक जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ मुहैया करा रही है। और न सिर्फ अजमेर शरीफ जाने वाले लोगों के लिए बल्कि जो दिल्ली सरकार ने एक पूरी योजना चला रखी है बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, किसी भी मजहब का कोई मानने वाला हो उसको दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फ्री में वहां तक ले जाती है और 5-स्टार फैसिलिटी के साथ लेकर जाती है। आप देखिए कि चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो दूसरी जगहों पर दूसरे मजहब के जो भी लोग हैं, उन सब के लिए यहां से ट्रेन की व्यवस्था की जाती है और बसों की व्यवस्था की जाती है, 5-स्टार फैसिलिटी दी जाती है और लोग जाते हैं। तो आज हम सब लोग यहां आए थे और मैं यहाँ जो हमारा उर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी पूरी कमेटी है, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शानदार व्यवस्था इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर, उनके निर्देशों पर जो की है, उसके लिए ये सारे लोग बधाई के पात्र हैं। आम आदमी पार्टी हर धर्म को मानती है। आम आदमी पार्टी कावड़ वालों के लिए भी व्यवस्था करती है और उर्स जाने वालों के लिए भी। सभी धर्म के लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने तीर्थ यात्रा का भी आयोजन किया है। उर्स में जाने वाले सभी लोगों की सभी व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का ख्याल केजरीवाल सरकार ने रखा है। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब केजरीवाल सरकार कांवड़ यात्रियों के लिए भी तमाम सुविधाएं करते हैं और ठीक उसी तरह उर्स में जाने वाले लोगों के लिए भी तमाम सुविधाएं की हैं, जो ये दिखाता है कि केजरीवाल सरकार सभी धर्म को समानता से देखती है और अपने हर कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन भी करती है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।